चलिए आज बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पूरी और रगड़ा चाट। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इस बिल्कुल स्ट्रीट के टेस्ट वाला रगड़ा पूरी और रगड़ा चाट कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप मटर यानी सफ़ेद वटाने, इसको मैंने अच्छे से साफ करके रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। मटर भिगोने के लिए जो पानी रख दिया है उस पानी को हमें फेंकना है। अब कढ़ाई में डाल देंगे ये वटाने यानी सफ़ेद मटर। 1 कप मटर के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। 4 कच्चे आलू, आलू के छिलके निकाल के बड़े टुकड़े करके डाल देंगे। अब ये स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। आप चाहे तो इस वटाने और आलू को कुकर में भी कुक करके ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रात भर भिगो के लिया है ना, तो इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में ही डाल दिया है। बस एक उबाल आने के बाद स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। और ये देखिए 10-12 मिनट हो गए हैं, और चेक करते हैं तो यहाँ पे आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। और अब हम मटर चेक करते हैं, तो मटर तो सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन हल्का सा इसमें कच्चापन है। बस इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हमें आलू को मैश करना है। स्ट्रीट पर जो रगड़ा पूरी और रगड़ा चाट मिलता है ना, उसमें वटाने सॉफ्ट तो होते हैं लेकिन पूरा गलने तक नहीं पकाते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही रगड़ा पूरी और रगड़ा चाट बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए आलू मैश हो गए हैं, लेकिन मटर में हल्का सा कच्चापन था तो वो वैसे ही है। तो मटर में जितना भी कच्चापन था उसे निकालने के लिए हम फिर से इसको 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मटर और भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और ये हमारा रगड़ा पूरी बनाने के लिए रगड़ा तैयार है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, बस ऐसा ही रगड़ा बनता है। तो चलिए अब हम रगड़ा पूरी बनाते हैं। तो ये भी घर की बनी हुई पूरी है, पूरी को ऐसे तोड़ के रख देंगे और गरम गरम रगड़ा इसमें डाल देंगे। जब भी रगड़ा पूरी या रगड़ा चाट बनाते हैं उस टाइम रगड़ा गरम ही होता है। जैसे स्ट्रीट पर रगड़ा पूरी मिलती है बिल्कुल वैसी ही मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज और ऊपर से खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली और पुदीना की चटनी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि इमली और पुदीना की चटनी कैसे बनती है। पुदीना की चटनी भी मैंने डाल दिया है, ऊपर से ये बारीक कटा हुआ धनिया और ये बारीक वाली सेव, और फिर से ये इमली और पुदीना की चटनी। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पूरी तैयार है। तो अब हम बनाते हैं रगड़ा चाट। तो गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच तेल और ये बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। अगर आपको रगड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च फ्राई होने के बाद ये ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। तो अब हम जीरा और अदरक को भी फ्राई करेंगे। जीरा और अदरक फ्राई होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धना पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच है जीरा पाउडर। मसाले जले नहीं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल दिया है। अब हमें इस मसाला को तेल छोड़ने तक पकाना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक एक जैसे चलाते हुए मैंने इसको पकाया है और इस मसाला से तेल सेपरेट होना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे रगड़ा यानी आलू मटर का जो मिश्रण कुक करके रख दिया था ना, बस वही मिश्रण, साथ ही में ये बारीक कटा हुआ धनिया अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपको लगे कि ये मिश्रण कुछ ज़्यादा ही पतला है तो आप इसको और 2-3 मिनट तक पकाइएगा, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि ये गाढ़ा है तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने 2-3 मिनट तक ही कुक करके लिया है। ये मिश्रण ना ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो ये जैसे स्ट्रीट पर रगड़ा मिलता है वैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, और रगड़ा चाट बनाने के लिए हमारा ये रगड़ा तैयार है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेट में सबसे पहले जाएगा ये रगड़ा, और रगड़ा पूरी बनाने के लिए जो मैंने प्याज टमाटर कट करके रख दिया था ना, बस वही प्याज टमाटर। वैसे आप इसको जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने जो स्ट्रीट पर मिलता है वैसे इसको बनाया है। सबसे पहले डाल दिया था प्याज टमाटर बारीक कटा हुआ धनिया, ऊपर से ये पानी पूरी वाली जो पूरी होती है उसको भी क्रश करके डाल दिया है। आप चाहे तो पापड़ी डाल सकते हैं या फिर रेडीमेड जो चिप्स का पैकेट मिलता है ना
उसमें से चिप्स भी क्रश करके डाल सकते हैं। ऊपर से बारीक वाली सेव, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, पुदीना की चटनी डाल दी है और भी चटपटा बनाने के लिए लास्ट में फिर से थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा रगड़ा भी तैयार है। दोनों रेसिपीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।